लास्ट सेशन में मैंने आपको इनकम टैक्स के फर्स्ट सेशन में कुछ चीजें बताई थी। सबसे पहली चीज, चलो सेक्शन वन क्या बताया था। सेक्शन वन में दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 एंड इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन टू मैंने बताया था, दिस इज आवर डेफिनेशन पार्ट एंड वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन डेफिनेशन व्हिच वाज कवर्ड अंडर सेक्शन टू क्लॉज। क्या बताया था, पर्सन इंक्लूड्स जिनके ऊपर टैक्स लगता है वो 7 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीपीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आज हम लोग बीच में जब जब आएगा डेफिनेशन पार्ट तो हम लोग वापस सेक्शन टू की बात करते रहेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री क्या कहता है सर? आपने अभी अभी बताया सेक्शन टू हमारा डेफिनेशन पार्ट होता है, लेकिन अगर सेक्शन थ्री की बात करें तो इसने कहा है प्रीवियस ईयर डिफाइंड, यानी इसकी डेफिनेशन सेक्शन टू में ना देकर कहां दी गई है, प्रीवियस ईयर। सुनना, सुन लो, नोट आउट मत करो। हमने कहा, सरकार ने कहा देखिए जो आपका टैक्सेशन के लिए ईयर होगा, टैक्सेशन के लिए जो ईयर होगा दैट वुड बी योर फाइनेंशियल ईयर। हम लोग को अगर ईयर्स की बात किया जाए तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। दोनों में फर्क क्या है? जो कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी 19 to 31 दिसंबर 19 ऐसे ही रहता है ये कैलेंडर ईयर। जब भी आप कैलेंडर ओपन करते हैं तो जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर को एंड होता है। जबकि फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20। हाँ या ना, 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21 कुछ ऐसा ही रहेगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। दोनों में फर्क है। फॉर आर टैक्सेशन पर्पजेस वी यूज टू यूज ओनली फाइनेंशियल ईयर, वी आर नॉट कंसर्न विद द कैलेंडर ईयर। इफ वी हैव जस्ट यूजिंग कैलेंडर ईयर फॉर आर अकाउंटिंग पर्पजेस देन ऑल्सो वी हैव टू यूज फाइनेंशियल ईयर फॉर आर टैक्सेशन पर्पजेस। आप कैलेंडर ईयर कुछ भी रखो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एक होली से दूसरी होली तक बनाओ, कोई मना नहीं करने वाला। आप अपने अकाउंटिंग ईयर एक दिवाली से दूसरी दिवाली बनाओ, नो वन गोइंग टू स्टॉप यू। और अगर आप अपने अकाउंटिंग ईयर एक ईद से दूसरी ईद तक रखते हो, इट इज अप टू यू टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑप्शन। बट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, हमें टैक्सेशन के पर्पज से फाइनेंशियल ईयर ही यूज करना है। इस साल आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना कमाया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टैक्सेशन पर्पजेस। मींस वी हैव टू टेक द बेस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? सरकार अभी सोच रही है इस चीज पर कि इसको भी कैलेंडर ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, सोचा जा रहा है। माइट भी अगले साल, माइट भी 2 साल बाद, माइट भी कभी ना हो, लेकिन अभी सोचा जा रहा है। बात करते हैं आगे कि ये प्रीवियस ईयर को डिफाइन कैसे करेंगे। हमने आपको लास्ट सेशन में एक दो बातें बताई थी कि मान लो मैंने 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 2020 तक अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, ये मैंने फाइनेंशियल ईयर यूज किया कमाने के लिए। किसके लिए? हमने इस फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है। सरकार हमसे डेली डेली टैक्स नहीं वसूलने वाली, न मेरे पास टाइम है और ना सरकार के पास रिसोर्सेज हैं। टाइम होगा, रिसोर्सेज नहीं है कलेक्शन के लिए। तो सरकार कहती है चल एक काम कर, साल भर तू जितना कमाएगा ना, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जितना कमाओगे ठीक है, इस पर आपको टैक्स देना है या उसका कैलकुलेशन करना है इस साल में। कमाओ यहां, इसका असेसमेंट यहां करो। कमाओ यहां और असेसमेंट, ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है? आज कमाया, आज असेसमेंट कर लिया। ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है? आज कमाया, 10 दिन बाद असेसमेंट कर लिया।
31 मार्च को साल खत्म हुआ, उसके बाद हम आराम से बैठ करके देखेंगे पूरे साल में कितने माल खरीदा, कितने का माल बेचा, कितना खर्चा हुआ, कितना होना चाहिए था, सारे कंसेप्ट यूज करेंगे। एंड आफ्टर क्लोजिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, वी कैन फाइंड आउट आवर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स पर्पसेस, कि हमें टैक्सेशन पर्पस से कितना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है। इसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, क्या नाम देते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, कुछ ऐसा ही तो बताया था। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रीवियस ईयर, और इस जिसमें हम कमाते हैं और जिसमें हम असेसमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि असेसमेंट ईयर में हम कुछ कमाते नहीं, हम असेसमेंट ईयर में भी कमाते हैं। जब इस साल कमाते हैं तो उसको नाम देते हैं प्रीवियस ईयर का, और इस प्रीवियस ईयर के टैक्स को असेसमेंट करेंगे अगले साल। जो अगला साल होगा वहां भी कमाएंगे, तो कमाने के पर्पस से वो कहलाएगा प्रीवियस ईयर, और इसका टैक्स अगले साल दिया जाएगा उसको कहा जाएगा असेसमेंट ईयर। पक्की बात है ना, ये साइकिल चलती रहती है, कमाते जाओ टैक्स पे करते जाओ, कमाते जाओ टैक्स कैलकुलेट और पे करते जाओ। अब आते हैं प्रीवियस ईयर को डिफाइन करते हैं, प्रीवियस ईयर को डिफाइन करते हैं। What the definition would have been given, जरा सोचो, कहा गया है financial year, क्या बोला गया है, which is, जो है immediately preceding year of the assessment year, बात करता हूं, जो year, कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो है बिल्कुल पहले वाला असेसमेंट ईयर के, वो हमारा प्रीवियस ईयर। देखो ना, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला साल, फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। चल सकते हैं आगे, सेक्शन 4। सेक्शन 1 मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, उसका नाम ही होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 कहता है, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट देखा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन सात तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, पीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 की हमने अभी भी बात की, प्रीवियस ईयर डिफाइन, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 बताता है चार्जिंग सेक्शन, ओ क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये अजीब बात है। सेक्शन 4 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स को भी कोई चार्ज करता है क्या? हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इनकम टैक्स अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको करने या करवाने के लिए उसमें लिखना पड़ता है। अपने मन से कुछ एक लाइन नहीं बोलेगा ना, अपने मन से कुछ काम हम कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस इट इज मेंशनड और गिवन अंडर आ इनकम टैक्स लॉ। जब तक कोई चीज़ लॉ में ना दी हो तब तक हम उसको कर नहीं सकते या नहीं कर सकते। ना करने के बारे में भी दिया होगा तो नहीं कर सकते, करने के बारे में दिया है तो कर सकते। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है कि देखो ना, आपको अब ये सेक्शन नहीं होता ना तो ये पूरी किताब नहीं होती। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो हमारी ये पूरी किताब नहीं होती टैक्सेशन की। क्यों? इसने चार्ज किया, इसने कहा आप कुछ भी कमाओ, 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 सब कमाई आपकी 5 heads ऑफ इनकम में आएगी, सारी की सारी कमाई आपकी 5 heads ऑफ इनकम में आएगी। या तो आप तनख्वाह कमाएंगे, बोलो, या तो आप अपने घर को किराए पर दे करके कमाएंगे, कमाएंगे कुछ ना कुछ, लिखो मत, या तो आप लिखो मत, या तो आप सैलरी से कमाएंगे। एक हेड है सैलरी, मैं 4 जगह नौकरी करता हूं तो मेरी सैलरी तो है, चाहे 4 जगह से सैलरी आ रही है, आ तो रही है सैलरी ना, उसको हम कहेंगे सैलरी हेड ऑफ इनकम। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, मैंने घर को किराए पर दे दिया तो वहां से भी तो कमाएंगे, कमाने के तरीके क्या हो सकते हैं, यही तो हो सकते हैं। तीसरा, मैं बिजनेस भी तो कर सकता हूँ, वहां से भी तो कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते बिजनेस से, कमा सकते हैं बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस और बोलो
प्रोफेशन। तो हमारे पास तीन रास्ते तो ये समझ में आए, हम सैलरी तनख्वाह ले सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, या हम अपने घर को किराए पर दे सकते हैं। अच्छा, हम अपनी किसी एसेट को बेच करके भी तो कमा सकते हैं, जमीन जायदाद को नहीं कमा सकते? हमारे पास जमीन पड़ी हुई है पुरखों की, हम बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अरे हाँ, कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। और लास्ट है आपका, जो इसमें ना जाए, उसको हम कहते हैं अदर सोर्सेस। सर कौन सी चीज ऊपर नहीं जाएगी? जुआ ऊपर नहीं जाएगा, जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, रेस हॉर्स का हो गया, जो मंत्रियों को सैलरी मिलती है। मंत्री इंप्लॉय थोड़ी होते हैं, नेता इंप्लॉयज थोड़ी होते हैं कि उनको सैलरी दोगे, नहीं ना, तो कहाँ जाएगा? एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी अदर सोर्सेज में जाती है। रॉयल्टी की इनकम हो गई, तो मेरी सैलरी नहीं है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, मेरा कैपिटल गेन भी नहीं, रॉयल्टी की इनकम है, डालो अदर सोर्सेज में, है कि नहीं? तो ऐसी कई चीजें आएंगी। मैं टीचर हूँ, मैं तनख्वाह कमाता हूँ, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं तनख्वाह कमाता हूँ, तब तक मेरे पास एक ऑफर है, कॉपी चेक करोगे क्या? मैंने कहा हाँ करेंगे। कितना मिलेगा? कहा हर कॉपी का 200 रुपये मिलेगा, 100 कॉपी चेक करनी। मैंने कहा 20,000 रुपये मिल जाएगा, वाह भाई वाह, बच्चों के भविष्य के साथ मैं क्या करूँगा? अच्छा नहीं करूँगा। तो 20,000 रुपये भी मिल जाएंगे, वो मेरी क्या है, सैलरी है? मेरे मालिक से थोड़ी मिल रही है, मेरा बिजनेस है क्या डेली का? ना, अदर सोर्सेज, जुआ तो है नहीं, मतलब ये तो है नहीं, क्या कहते, कैपिटल गेन है नहीं, घर से है नहीं, ये क्या है मेरा अदर सोर्स। कहने का मतलब जो कहीं ना जाए वो अदर सोर्स। डिविडेंड, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरा बैंक में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, क्या मेरी सैलरी है, क्या हाउस प्रॉपर्टी है, क्या बिजनेस है, क्या कैपिटल गेन है? अदर सोर्सेज। डिविडेंड, मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है, वहां से मुझे डिविडेंड मिला साल के अंत में, लाभांश, क्या वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीपीपी है, कैपिटल गेन है? अदर सोर्सेज। तो कहने का मतलब वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन विच हेड ऑफ इनकम वी आर जस्ट गोइंग टू अर्न। और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, कितने? 5 हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, इनको आप ऐड कर लो। होता क्या है, कभी कभी हम लोग किसी दूसरे की इनकम को भी अपने में ले लेते हैं। सर आप अजीब बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक घर है जिससे मुझे साल भर में 5,00,000 रुपए क्या आता है, रेंट आता है, और मुझे सैलरी भी मिलती है, सैलरी मिलती है मुझे 8,00,000 रुपए। कितनी? अब मेरी इनकम कितनी हो गई टोटल? अब बताओ, 13,00,000 रुपए इनकम हो गई। तो 10,00,000 से ऊपर तुम नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, 10,00,000 रुपए से ऊपर वालों को ज्यादा हायर इनकम वाला माना जाता है, 30% टैक्स रेट लग जाता है। अब मेरा काटो तो खून नहीं, 13,00,000 पर टैक्स देंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स चला जाएगा। तो मैंने एक चालाकी सोची, क्या सोची? मैंने ना अपने इस घर को ना अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा जाओ ये घर तुम्हारा आज से, 100 रुपये के स्टैम्प पर दोनों का साइन हुआ, घर की बात घर में ही रह गई, घर का पैसा घर में ही रह गया। लेकिन सरकार को क्या बना डाला? मूर्ख। क्या बना लगा? मूर्ख बना दिया, क्योंकि अब मेरे हाथ में इनकम लगेगी 8,00,000 की, और मेरे वाइफ के हाथ में इनकम चली जाएगी 5,00,000 की, और सरकार मुंह बनाकर देखती रह जाएगी, उसके पास कोई चारा है? ऐसा कैसे चारा नहीं है? है भाई, अब गवर्नमेंट कहेगी बेटा तूने जरूर टैक्स चोरी करने के पर्पज से ये ट्रांसफर की है इनकम, तू भले करता रहा लेकिन हम तुम्हें इस इनकम को तुम्हारे हाथ में ही टैक्स लगाएंगे। मेरे इनकम नहीं है लेकिन बावजूद देखो मेरे पास ये टैक्सेबल होगी। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, क्लबिंग ऑफ इनकम। कौन सा? तो मेरी ये 5 हेड्स ऑफ इनकम प्लस कौन सी? क्लबिंग ऑफ इनकम। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। नहीं, एक बात बताओ, हमारे पास फायदा हुआ है 10,00,000 रुपए का, कितना? ये इनकम है। और हमें एक नुकसान हुआ है 2,00,000 रुपए का, कितना? 2,00,000। तो मैं सरकार को टैक्स कितने पर दूं, 10,00,000 पर या 8,00,000 पर? अरे 10,00,000 पर या 8,00,000 पर? 10,00,000। इतनी मार खाओगे? अरे 2,00,000, 8,00,000 रुपए पर दोगे ना इनकम टैक्स, काहे का 10,00,000 पर दोगे?
2 लाख का लॉस लॉस नहीं होता, इनकम टैक्स का मतलब केवल इनकम होता है, इनकम टैक्स का मतलब लॉस भी तो होता है। इनकम डजंट इंक्लूड ओनली पॉजिटिव इनकम, इनकम मींस पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। पॉजिटिव इनकम भी हो सकती है, निगेटिव इनकम भी हो सकती है, पॉजिटिव गेन भी हो सकता है, निगेटिव गेन भी हो सकता है, पॉजिटिव प्रॉफिट भी हो सकता है और निगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। सर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, लॉस टैक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है और इनकम निगेटिव भी हो सकती है। तो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव नेट कर लो तो कितना आया इनकम, आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में कितना शो करोगे, 8 लाख। गवर्नमेंट को कितने पर दोगे टैक्स, 8 लाख। और चलो 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 सर जब फायदा होता है ना तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमको टैक्स देना पड़ता है। जब हमें फायदा होता है ना तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमको टैक्स देना पड़ता है। और जब हमको लॉस हो जाए ना, मान लो हमारे अगले साल 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, तो सरकार हमको टैक्स देगी। हमें फायदा हुआ ना तो सरकार हमसे टैक्स लेती है, और जब हमें लॉस होगा ना तो सरकार हमें टैक्स, बोलो ना सांप क्यों सूंघ गया तुम लोग को, देगी देगी, वो देगी मेरा नहीं। हाँ सरकार टैक्स देती है क्या, हाँ देती है सरकार टैक्स देती है क्या, अरे मैं बोल तो रहा हूँ देती है, बोलो हाँ बोलो सरकार केवल टैक्स लेती है, देती है, है। अरे पूछो ना क्यों, मैं तब से सोच रहा हूँ पूछो, तुम लोग पूछो कैसे, हाँ अब बताएंगे ना, ऐसे कैसे बता देंगे बिना पूछे। चलो हमारा 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ था 10 लाख, यहाँ पर लॉस हुआ 8 लाख, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 5 लाख और यहाँ प्रॉफिट हुआ 3 लाख, कितना तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लॉस पर देती डन से सुनना। लेकिन सरकार कहती है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करोगे ना तुम, नहीं करोगे, हम तुम्हें भरपाई करने का पूरा मौका देंगे। कैसे, मान लो सरकार हमको टैक्स देती, प्रॉफिट पर टैक्स ले और लॉस पर टैक्स दे, हो सकता है। मान लेते हैं टैक्स है आपका कितना परसेंट, तो बताओ 10 लाख पर सरकार कितना ले लेगी, 2 लाख ले लेगी, और नुकसान पर हमको सरकार दे देगी कितना, मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा इस पर 1 लाख ले लेगी और इसमें 60,000 ले लेगी, नेट बताओ कितना आया, टोटल कितना गया, 2-3 लाख, 60,000, 2 लाख गया, कितना गया, 2 लाख गया। अब आते हैं तुम लोग की बात करते हैं, सरकार हमें टैक्स देती नहीं है, लॉस पर टैक्स देती नहीं है, बल्कि ये कहती है जितना लॉस हुआ है ना उसको अगले सालों में आप एडजस्ट, अगले सालों में आप एडजस्ट कर सकते हो, लॉस तो हुआ है ना, सरकार लॉस के समय तो मेरे साथ हो ना, हमसे टैक्स लो मत, हमसे टैक्स लो मत, और जो नुकसान हुआ है मेरा उसकी भरपाई करने का हमको मौका भी तो दो, और हम तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हैं, ऐसा नहीं है हम चोरी की बात कर रहे हैं, हम तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, और जो बताता है बिजनेस में लॉस भी हुआ है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, सारे बिजनेस प्रॉफिट नहीं देते और तुरंत नहीं देते, तो बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो हमको सरकार उसकी भरपाई करने का मौका दे रही है। गवर्नमेंट कहती है आप इसको एडजस्ट कर लेना 8 लाख को, जरा देखो मेरे पहले साल इनकम कितनी हुई, दूसरे साल 8 लाख का लॉस हुआ, लेकिन इस 8 लाख की भरपाई हम इधर से करेंगे, किधर से करेंगे, तो इधर कितनी इनकम बची, एडजस्ट हो गया ना, अभी भी लॉस बचा हुआ है कितना, वो अगले साल एडजस्ट हो गया, हाँ या ना। सरकार ने कहा टैक्स दो, प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स दो, हमने टैक्स दे दिया कितना, यहां कितना देना पड़ा, तो बताओ टोटल टैक्स कितना गया, अरे दोनों का आंसर तो सेम है, अगर सरकार हमें टैक्स वापस करती तो भी आंसर वही आया, नहीं वापस किया तो भी तो वही आंसर आया, इसका मतलब
सरकार हमको इस तरह से टैक्स वापस नहीं करती है, लॉस हो गया तुमको, लो लो टैक्स ले लो, अरे लॉस हो गया, ऐसे नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, लॉस हुआ है तो उसको नेक्स्ट ईयर से एडजस्ट कर लो। देखो ना बात वही पड़ी, सरकार टैक्स वापस दे या अगले सालों में लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करवा ले, मेरे लिए बात बराबर है। एक तरह से सरकार ने मुझे टैक्स वापस किया, हाँ डायरेक्ट नहीं दिया, लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करके वापस किया। दोनों का आंसर सेम। इसको हम लोग एक चैप्टर में स्टडी करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कि हम अपने लॉस को आगे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम किस चैप्टर में देखेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अच्छा जी, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, मेरी एक और इनकम आ गई जो मेरी वाइफ के में ट्रांसफर हो गई थी, मैंने अपने में क्लब कर लिया, जिसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, माइनर सन की कैसे इनकम ऐड होती है, किसी दूसरे को गिफ्ट दे दिया तो कैसे ऐड होती है, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में, किसमें, क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा एडजस्ट कर देते हैं कौन सा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी एक चैप्टर पढ़ेंगे। और जब ये कर लेंगे तो इसके बाद जब टोटल इनकम आएगी, इसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आई बात, इसको हम लोग नाम क्या देंगे। और हमने कुछ जगहों पर पैसा लगा रखा है, ऐसी जगहों पर जहां गवर्नमेंट कहती है पैसा लगाओगे छूट पाओगे, पैसा लगाओगे छूट पाओगे, हमें डिडक्शंस देगी गवर्नमेंट। जैसे मैंने अपनी LIC का पैसा लगाया कहीं पर, तो गवर्नमेंट कहती है तुमने अच्छी जगह पैसा लगाया, अरे हम अपनी LIC पर पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट हमको छूट देगी क्या? हम अपनी LIC पर पैसा लगा रहे हैं, अपने वाइफ अपने बच्चों के LIC पर पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट हमको छूट देगी क्या? काहे, मेरा वो पर्सनल है, वो काहे के लिए गवर्नमेंट छूट देगी भाई? गवर्नमेंट कहती है तू बोझ ना बन, तू बोझ, अपने खर्चे खुद निकाल, और मान लो कल कुछ हो गया तेरे को तो घर वालों को कौन देखेगा? ये तो अच्छी हैबिट है ना कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, गवर्नमेंट तो खुद कहती है अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाओ, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, फसलों का बीमा करवाओ, तो इसका इंश्योरेंस करवाओ, कहती है ना गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ना बने, आप जीते जी अपने लिए कुछ ऐसा कर जाए कि मरने के बाद आपके घर वाले भूखे ना मरे। तो अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो या पब्लिक को फायदा हो, तो उस केस में आपको उसका डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? तो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके लिए, उसको हम नाम दे देंगे डिडक्शन। इसको करने के बाद ये आ जाता है टैक्सेबल इनकम। क्या आ जाता है? ठीक है ना, इस टैक्सेबल इनकम में टैक्स रेट का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, टैक्स, इनकम टैक्स, बोलो हाँ या ना। इस टैक्स में भी हमें कुछ छूट मिलती है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ी देर में आएगा वो, जिसको हम कहते हैं रिबेट एंड रिलीफ। क्या नाम देते हैं? उसको देने के बाद जो बचता है वो टैक्स लायबिलिटी आती है। क्या आती है? और ये सब चैप्टर पढ़ने हैं भाई हमको, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, पहला, उसके बाद ये सब चैप्टर है, और ये लाइन से है, देखो कितने बढ़िया तरीके से बना हुआ है ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में ये सारे चैप्टर्स भी हैं आपके टैक्स के, लाइन से, और ऐसे ही पढ़ना भी पड़ेगा, इसको पढ़ने के बाद लाइन से ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं पेनाल्टीज, इंटरेस्ट, वो सब लास्ट, तो वो इंटरेस्ट आएगा, पेनाल्टीज आएंगी, फीस आएगी, माइनस होगा, एडवांस टैक्स होगा, TDS होगा, TCS होगा, सब आ जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन सारे चैप्टर को लाइन से दिए हैं, प्लस क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज, इसमें से माइनस कर लेंगे TDS, TCS, एडवांस टैक्स, नेट टैक्स लायबिलिटी, ये है आपका पूरा बुक। लाइन से पढ़ना है हमको ये सब, अब समझ में आया? और अगर ये सेक्शन ना बना होता तो क्या ये चैप्टर बने होते? यानी इस चार्जिंग सेक्शन के कारण ये चैप्टर बने और हमको इनकी स्टडी करनी है। नोट कर लो,
हटा रहे हैं। हो गया ना? देखो इधर सेक्शन वन मैंने बताया था, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन टू मैंने बताया डेफिनेशन पार्ट, जिसमें एक ही डेफिनेशन देखिए सेक्शन टू सब सेक्शन 31 की, वैसे क्लॉज बोलना चाहिए, मैंने कहा सेक्शन 31 सब सेक्शन 31, जिसमें सात तरह के पर्सन बताए गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीवाई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 मैंने अभी बताया आपको, प्रीवियस ईयर डिफाइन, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें पहले पांच हेड्स जोड़ लें, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इसके बाद जो दूसरों की क्लबिंग करनी है वो ऐड कर लो, माइनस कर लो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आप डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल इनकम बचेगी, उस टैक्सेबल इनकम में टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर लो, टैक्स आ जाएगा, उसमें से रिबेट एंड रिलीफ दे दो, उसमें ऐड करो जो टैक्स आया, एक्चुअल नेट लाइबिलिटी, उसमें ऐड करो इंटरेस्ट पेनाल्टी, ठीक है ना, माइनस करो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जो बचा वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बात खत्म। दिस इज द वे। अब हम बात करेंगे द मोस्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 5, और इसका नाम है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है? स्कोप का मतलब दायरा, स्कोप का मतलब दायरा, कहां तक फैला हुआ है, कहां कहां पर इनकम टैक्स लग सकता है, किन चीजों पर। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में ये जरूर बता दिया था, इनकम टैक्स इज नॉट टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप, बट इट इज टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटसशिप। आप किस देश के नागरिक हैं, इंडियन है, नॉन इंडियन है, इनकम टैक्स इससे कोई मतलब नहीं रखता। इनकम टैक्स इससे मतलब रखता है कि आपके ऊपर टैक्स लगाना है, आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सी है, आपकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप कौन सी है, उसके लिए हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी नहीं करने जा रहे, ये पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ये पूरा सेक्शन 6 हम लोग का नेक्स्ट सेशन में चलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस तीन पार्ट में बटी होती है, या तो पर्टिकुलर कोई बंदा आरओआर होता है, या तो वो आरएनओआर होता है, या तो वो एनआर होता है। इसको हम कहते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पक्का, और इसको हम कहते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और लास्ट होता है आपका नॉन रेजिडेंट। समझ में आई बात? ये हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे कि हम लोग पर्सन की उनकी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप में तीन तरीके से बांट सकते हैं। या तो कोई बंदा आरओआर होता है, उस बेसिस पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स रेट अलग होते हैं, या तो वो आरएनओआर होगा, उस बेसिस पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और या तो फिर एनआर होगा, उस बेसिस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये हम लोग सेक्शन 6 में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई आया अफ्रीकन, कौन अफ्रीकन, कहते हैं भाई साहब हमको ये बताओ मेरी इस इनकम पर टैक्स लगेगा कि नहीं इंडिया में, किस पर, सैलरी पर, किस पर, इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, तो मैं किस चैप्टर को खोलूंगा, सैलरी, और वहां मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा या, अच्छा वो फिर कहता है कि अच्छा मेरी बिजनेस इनकम पर टैक्स लगेगा या कि नहीं, तब मैं कौन सा चैप्टर ओपन करूंगा, बिजनेस वाला, उस पर चेक करूंगा। इसी तरह कोई इंडियन आता है, कहता है मेरी सैलरी इनकम पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अब मैंने कहा इंडियन तो इंडियन सिटीजन, मैंने कहा अफ्रीकन तो इसका मतलब अफ्रीकन सिटीजन, अब मैं बार बार उस चैप्टर को खोलूं, उसको बताऊं, अरे
काहे दिमाग की दही कर रहे हो भाई, केवल एक सेक्शन देख लो, यही आपको बता देगा कि किस पर कब और कहां टैक्स लगना है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घूमने घामने की जरूरत नहीं है, लोगों को चैप्टर पलटने। तो जैसे ये बोल रहा था, हम लोग कहां जाएंगे, सेक्शन 5, वो बता देगा हमारे ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सीधे इधर उधर भटकने की जरूरत, सीधे सेक्शन 5 देखो, वो आपको बता देगा कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए इस सेक्शन को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में आरओआर, इस पर कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है। आरएनओआर, इस पर किस किस इनकम पर टैक्स लगेगा इंडिया में। और तीसरा है एनआर। अब समझ में आया, तो हम लोग इन चीजों की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पक्का ना। रेजिडेंशियल स्टेटस, जरा इसको देखते हैं क्या बोलता है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, या तो आपको कोई इनकम इन इंडिया में मिलती है या होती है, या तो आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में होती है या मिलती है। बोलो। या तो आपकी कोई इनकम इंडिया में होती या मिलती है, या कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में मिलती या होती है, यही हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ हो सकता है तो बोलो। आपने इंडिया में कमाया, मिली आउटसाइड। आपने आउटसाइड कमाया, मिली इंडिया में। आपने आउटसाइड कमाया, मिली आउटसाइड। आपने इंडिया में कमाया, मिला इंडिया में, यही तो हो सकता है। तो कब किस केस में टैक्स लगेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला, इनकम एक्रूड और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक बार थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग देखेंगे उनको थोड़ा सा अजीब लगने वाला है। सर ये इनकम एक्रू क्या होती है, सर ये इनकम अराइज क्या होती है, सर ये इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज क्या होती है। तीनों इनकम अगर एक्रूड इन इंडिया है, यही तो है, इनकम अगर अराइज इन इंडिया है, या इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो इन इंडिया। और मैंने आपको कहा था टैक्सेशन के पर्पस से ये मेरा देश है ये वाला। अब बताओ, हिंदुस्तान के रिसोर्सेस को कहीं से भी यूज करोगे और कमाओगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा, चाहे आप इंडियन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देश के रिसोर्सेस को यूज करके कुछ भी कमा रहे हो, चाहे आप कमाओ चाहे कोई विदेशी कमाए, अगर इंडियन रिसोर्सेस को यूज करके, हवा पानी जमीन कुछ भी रिसोर्सेस को यूज करके कुछ कमाएगा तो उस पर इंडिया में तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप इंडियन हो या ना हो, सीधा सा हिसाब है। तो यही बात यहां पर भी है। तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, कोई इनकम इंडिया से जनरेट हुई है, इंडियन रिसोर्सेस का यूज हुआ है, या मान लिया जाए कि ये इनकम इंडिया के रिसोर्सेस से जनरेट हुई है, बेसिकली वो है नहीं। मानने का मतलब हुआ कि अगर ये यहां पर नहीं दिया होता, इसके लिए हम लोग सेक्शन 9 पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बात समझ में आई? इसको किस सेक्शन पढ़ेंगे? 6 में क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में? रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 में क्या पढ़ेंगे देखेंगे, 8 में क्या पढ़ेंगे देखेंगे, 9 में क्या पढ़ेंगे इनकम एक्रू और अराइज, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर हुआ है? कहां की है? इन इंडिया ना, इंडियन रिसोर्सेस का यूज हुआ है ना, कहां का यूज हुआ है? कोई भी हो टैक्स, कोई भी हो टैक्स लगा दो, कोई भी हो टैक्स, अरे बोल ना, चाहे वो आरओआर का केस हो, आरएनओआर का केस हो, या एनआर का केस हो, लगा दो। ये मत बोलो कि ये इंडियन है या नॉन इंडियन। इनकम इंडिया इन इंडिया है ना, इनकम इन इंडिया
एक्रू है, अराइज है, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, लगा दो टैक्स। दूसरा, इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया, ये पढ़ेंगे आप सेक्शन 7 में। अभी मैंने कहा ना पढ़ोगे, तो इनकम डीम्ड टू रिसीट इन इंडिया नहीं लिखता मैं, चल ठीक, हम लोग केवल सेक्शन 7 में इतना ही पढ़ेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीट। अच्छा, इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ढंग से सुनना, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। मैं ना अमेरिका में कमाता हूँ, कहाँ, वहाँ से मुझे मालिक ना हमको $50,000 हर महीने देता है, कितना, आई दादा बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, देता है कम, सोचना ही है तो अच्छा सोचो, काहे को $5 का सोचे, $50,000 पर मंथ देता है। एक बार मैं उसके पास गया, मैंने कहा मालिक तुम मेरे खाते में जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करो, तो मुझे अपने घर में भेजना है। कहाँ घर, कहाँ, इन इंडिया। मैंने इन इंडिया $20,000 भेज दिए, बताओ इंडिया में कितनी इनकम रिसीट हुई है और आउटसाइड इंडिया कितनी रिसीट हुई है, पक्का ना। मैंने अपने मालिक से कहा मालिक एक काम करो, तुम मुझे $50,000 मत दो, ये सीधे मेरे इन इंडिया वाले अकाउंट में घर वालों को भेज दो, सीधे सीधे $50,000 हमें मत दो, मेरे घर में भेज दो। तो इंडिया में कितनी रिसीट हुई, वहां कितनी रिसीट हुई, ठीक है, ये तुम लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। अब मेरा आंसर सुनो, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को रिसीट करना और इनकम को रेमिटेंस करना दो अलग अलग चीजें हैं, तुम लोगों ने दोनों का मतलब एक ही ले लिया। मुझे वहां $50,000 मिल चुका था, उसके बाद मैंने 20,000 भेजे अपने घर, दिस इज द पार्ट ऑफ रेमिटेंस, दिस इज नॉट द रिसीट ऑफ इनकम इन इंडिया। मुझे इंडिया में मिली नहीं इनकम, मुझे इनकम कहां मिल चुकी है, दोबारा कैसे मिल सकती है इंडिया में, एक ही इनकम दो जगह कैसे रिसीट हो सकती है, एक ही इनकम दो जगह कैसे रिसीट हो सकती है, हो सकती है बशर्ते आधा वहां मिला आधा यहां मिला, लेकिन नॉर्मली एक इनकम एक जगह रिसीट होगी, नॉर्मल अगर केस में देखा जाए तो। मुझे वहां $50,000 मिल गए थे, एक बार रिसीट हो गई, उसमें से मैंने 20,000 रेमिट किए हैं, यहां पर इनकम रेमिट की गई है, रिसीट नहीं हुई। अब क्लियर हुआ, मैंने अपने मालिक से बोला कि मुझे वहां मत दो, सीधे मेरे इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करो इंडिया में, उसने डायरेक्ट मेरे इंडियन अकाउंट में इंडिया में ट्रांसफर किया है, तो ये रिसीट इन इंडिया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया रिसीट हुई है, फर्स्ट टाइम इनकम जब आपके हाथ में जहां मिलती है वो रिसीट कहलाता है प्लेस। अब समझ में आई बात, तो मुझे इंडिया में पहली बार यहां मिली तो ये रिसीट है, वहां मिली नहीं मुझे, एक जगह रिसीट होगी ना, यहाँ वहां यहाँ, तो मुझे वहां 50,000 मिला था, मैंने 20,000 भेजा, तो रिसीट वहां कितना हुआ था 50, यहाँ कितना रिसीट हुआ ठेंगा, यहाँ रेमिटेंस कितना हुआ 20,000, दोनों में फर्क समझ में आया। 50,000 मेरे वहां पर कुछ नहीं मिला, दूसरे केस में मैंने डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर करवा दिया, इन इंडिया, तो इन इंडिया में रिसीट कितना हुआ 50,000, वहां कितना रिसीट हुआ ठेंगा। अब क्लियर है, तो हम रिसीट की बात कर रहे हैं, इनकम रिसीट। अब क्लियर करोगे इसको कि अभी भी डाउट है, क्लियर है। तो इनकम रिसीट इन इंडिया, इनकम रिसीट, इनकम डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, इन इंडिया है ना, है ना, बात खत्म, रिसीट होना चाहिए, रेमिटेंस नहीं होना चाहिए। तो इन इंडिया है तो बेटा वो कोई भी केस हो टैक्स लगा दो, आंख बंद करके गाना गाना भाई, अमेरिका में टैक्स लगे ना लगे तुम्हें क्यों बीमारी हो रही है, हम तो इनकम टैक्स लॉ विद रेस्पेक्ट टू इंडिया पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो ना, नहीं नहीं ठीक है, वो गलत नहीं पूछ रहा, उसके लिए एक चैप्टर है,
डी टी ए ए। इसमें जो सेक्शंस कवर होते हैं सेक्शन 90, 90A, 91 इस तरह से। इसका फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी तुमको ये बीमारी लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल अभी यहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है सर, यहाँ पर अगर 50,000 हमको रिसीट हो गया तो क्या अमेरिका में भी उस $50,000 पर टैक्स लगेगा क्या? दो दो जगह टैक्स लगेंगे क्या? बिल्कुल लग सकता है। और उस दो जगह पर जब टैक्स लगेगा तो एक चैप्टर आ जाता है, कौन सा? तो वहां पर जाकर के उसका डिडक्शन लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, या प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिल जाता है उस देश के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं या नहीं है। अगर हैं तो सीधे सीधे छूट मिल जाती है, नहीं मिलती है तो भी गवर्नमेंट हमको प्रोपोर्शनेट बेनिफिट देती है। अब बात समझ में आएगी। तो फिलहाल हम लोग को अभी वहां मरने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग को यहाँ देखने की जरूरत है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं आई होगी। अब अगर मैं तुमसे क्लियरली पूछूं वन लाइन सेंटेंस कि अगर इनकम इंडिया में रिसीट हो या इंडिया में एक्रू और अराइज हो, इन इंडिया वर्ड आ गया, सब पे टैक्स लगा। अच्छा, अब आते हैं आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं। और ढंग से सुनना, सारा लोचा बस आउटसाइड इंडिया में ही है, 5 मिनट लगेगा 10 मिनट। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। कहाँ एक्रू और अराइज हो रही थी, अब कहाँ एक्रू और अराइज? बट इफ बिजनेसेस controlled or profession is set up in India any other case ऊपर कर देते सर, ये क्या बला है? अब जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, इनकम एक्रू और अराइज कहां हुई है? हमने आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बताए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, यही तो बताए। अब इसमें से क्या अलग कर दो? बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन अलग कर दिया। बाकी चारों आंख बंद करके एनी अदर केस में आएगा? अरे हाँ बोलो, हाँ हाँ। एनी अदर केस में कौन आएगा? बिजनेस और प्रोफेशन छोड़कर बाकी चार, वो इसी में ही आएंगे। अगर आपकी इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड है और वो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो आंख बंद करके जिधर देखूं तेरा चेहरा नजर आता है। गाना है ना? अच्छा गाना नहीं, गाना है ये बताओ कौन सा गाना है, गाकर बता सकते हो? नहीं बता सकते? अच्छा, शर्म आती है, शर्मिंदा हूं मैं, देखो इधर। तो पीजीबीपी छोड़ दो अगर, तो सारे के सारे किस में आएंगे? तो ये तो आंख बंद करके सोच लो कि इन चारों को हमें इसी कैटेगरी में ले जाना है। अगर ये चारों एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हैं तो प्रॉब्लम और पेच किसका फंसा?
पेच किसका फंसा? अगर बीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है या कंट्रोल्ड है, भले ही इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू और अराइज हो, बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं से डील कर सकते हो, कहीं के लिए कर सकते हो। तो अगर आपका बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। और प्रोफेशन कहां सेटअप है? इंडिया से। तो उस केस में इन दो पर टैक्स लगेगा, उस पीजीबीपी पर, और यहां नहीं लगेगा। अच्छा, अगर बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप या कंट्रोल्ड नहीं है तो अदर केस में आ गया ना, यानी पीजीबीपी इधर भी जा सकता है, और अगर वो कंट्रोल्ड इन इंडिया है तो यहां जाएगा, अगर पीजीबीपी कंट्रोल्ड इन इंडिया नहीं है तो नीचे आ जाएगा। अरे हाँ, बाकी चारों में आंख बंद करके नीचे वाले एनी अदर केस में ट्रांसफर कर दो। क्लियर हुआ? अब मैं अगर आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम पूछूं तो व्हाट्स द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो आप कहेंगे सर सेक्शन 5 में बताया गया है। पहला बताया गया है इन इंडिया इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होता है। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होता है। आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, तो दो केस में यस, तीसरे में ना, और एनी अदर केस में सब में, पहले में हाँ, बाकी दो में ना। इज इट क्लियर? याद रहेगा, नोट कर लो, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे। मैंने आपको बताया सेक्शन 1, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में बताया पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एओपीबीआई कंपनी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
सेक्शन 3 मैंने बताया प्रीवियस ईयर डिपेंड प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर सेक्शन 4 बताया चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स जिसमें बताया 5 हेड्स ऑफ इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो आता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं रिबेट एंड रिलीफ दे देते हैं उसमें इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जोड़ देते हैं माइनस टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जेड क्लियर। इस बार सेक्शन 5 बताया सेक्शन 5 में बताया स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम अपने इनकम को तीन पार्ट में तीन तरह से ले सकते हैं आरओआर के लिए आरएनओआर के लिए या एनआर के लिए। कहा गया अगर आपकी इनकम इन इंडिया है तो इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगी इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल होगी आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। बट इफ बिजनेस की बात करें अगर कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया में है तो दो पार्ट में टैक्सेबल होगा तीसरे में नहीं अदर है तो कहीं पर भी जाए बेटा केवल पहले में टैक्सेबल होगा। एक बार ध्यान दो तो कहीं पर ना नहीं है अगर ध्यान दो तो कहीं पर ना नहीं है। अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है। वही बात अगर उसकी आउटसाइड इंडिया पर आउटसाइड इंडिया में टैक्स लगे तो क्या होगा वहां पर फिर DTAA पर चले जाएंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में चले जाएंगे वहां बेनिफिट ले सकते हैं। इज इट क्लियर। तो अब आते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आरओआर के केस में वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है और एनआर के केस में देखो तो केवल कोई विदेशी इंडियन रिसोर्सेज का यूज करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। अब समझ में आई बात क्लियर है। और आरएनओआर आधा आधा इधर आधा आधा इधर याद रहेगा हटा सकते हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज योर सेक्शन 6 इसको हम लोग कहते हैं वैसे इसको नेक्स्ट सेशन में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे लेकिन कुछ चीजें बता देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं निवासी स्थिति। ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और हमको अच्छी तरह मालूम है रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक पर्सन का अलग अलग होगा। हर एक पर्सन का अलग अलग होगा कैसे पर्सन में मैंने आप लोगों को बताया कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है तो इंडिविजुअल्स के लिए हमको अलग से रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा। या तो ये इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या तो ये इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या तो वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट। वंस इट इज डिसाइडेड दैट यस द इंडिविजुअल इज रेजिडेंट वंस इट इज डिसाइडेड हाउ विल यू डिसाइड दैट द इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट फॉर दैट पर्पसेस वी हैव टू फुलफिल एनी वन ऑफ दीज टू कंडीशंस। दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर लेगा तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। इफ ही इज नॉट गोइंग टू फुलफिल एनी ऑफ दीज टू कंडीशंस ऑटोमेटिकली ही विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल ना करे बेटा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। कितनी कंडीशन है अरे बोल कितनी कंडीशंस हैं इसको हम लोग कहते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं यानी किसी इंडिविजुअल को अगर रेजिडेंट बनना है तो उसको दो बेसिक में से एक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2। अगर वो इन दोनों में से किसी को भी पूरा ना करे तो वो कहां चला जाता है तब आंख बंद कर लेना तब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत सीधे वो कहां नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो फिर हमको ये देखना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। क्या इस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए उसके पास एडिशनल कंडीशंस हैं। क्या है हम लोग को जरा देखो तो क्या क्या मालूम था या तो वो आरओआर होगा या तो आरएनओआर होगा या तो एनआर होगा ये तो यहीं पर चला गया डायरेक्ट। अब अगर रेजिडेंट है तो फिर दिक्कत आती है यहाँ तुम्हारा आंसर आया हाँ तो अब ये बताओ वो आरओआर है या आरएनओआर है।
तो बताओ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर आरएनओआर है? पक्का ना? अच्छा, इसके लिए बोला गया एडिशनल कंडीशंस दो हैं, वन एंड टू। मैंने एंड लिखा और नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियस फुलफिल होनी चाहिए। बेसिक में से कोई एक, एडिशनल की दोनों। एक पूरी कर लिया तो आगे बढ़ो, एक भी पूरी नहीं किया तो किनारे मारो। एक पूरी कर लिया तो अब ये देखो कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी होने के लिए दो एडिशनल कंडीशंस हैं और दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर दोनों पूरी नहीं किया तो ये क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। इज इट क्लियर? पक्का? सो सिंपल। यानी हमको आपको इसमें क्या बता दें कि आपका ये पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा? दोनों बेसिक कंडीशन बता दो सर जी, और दोनों एडिशनल कंडीशन बता दो, फिर आप नहीं भी बताओगे तो हम समझ जाएंगे कि है क्या, कोई दिक्कत है? एक बात बताओ, आज हम स्टार्ट तो नहीं करने जा रहे, कुछ बेसिक चीजें ही बता रहे हैं आपको ताकि नेक्स्ट सेशन में हमको ये सब दिक्कतें ना आए। हमको ये रेजिडेंशियल स्टेटसशिप तय करना पड़ता है किस बेसिस पर? मान लेते हैं प्रीवियस ईयर है 1920 और असेसमेंट ईयर है 2021। हम यहाँ असेसमेंट कर रहे हैं और इनकम हम लेते हैं 19-20 की, बोलो ना। अच्छा, इसी इनकम पर तो टैक्स यहाँ इस रेट पर लगेगा। मेरी बात ढंग से समझना। हम डिटरमाइन कब करेंगे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस? डिटरमाइन कब करेंगे? साल के बीच में या साल खत्म होने के बाद? साल खत्म होने के बाद हम देखेंगे वो हिंदुस्तान में कितना दिन रहा या हिंदुस्तान के बाहर कितना रहा। साल खत्म हो जाने के बाद हम ये देखेंगे हिंदुस्तान में कहाँ कितना दिन रहा और हिंदुस्तान के बाहर कितना दिन रहा। उसी के बाद ही तो ये डिसाइड करोगे कि वो आरओआर है, आरएनओआर है या नॉन रेसिडेंट है। कौन से दिनों को बेस लेकर के तुम ये डिसाइड करोगे? 2021 वाले दिनों को लेकर के डिसाइड करोगे या 19-20 या उसके पहले के दिनों को? 19-20 है। यानी 1/4/2020 जैसे ही पहला दिन आया उस दिन ये तय हो गया कि हम कहाँ जाएंगे, किस बेसिस पर? अपने पास्ट डेटा पर। अपने किस डेटा पर? पास्ट डेटा के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में फॉल होंगे, आरओआर, आरएनओआर या एनआर। उसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं। कितने नंबर ऑफ डेज? और जानते हो कितने सालों तक बेस रहता है पूरा ये सब डिसाइड करने के लिए? पिछले 10 सालों का हिसाब किताब लेना पड़ता है। कितने? 10 साल। आप कितने दिन कहाँ थे वो आपको बताना पड़ेगा। अब जरा बताओ, प्रीवियस ईयर 1920 की बात हो रही है, ये तो मायने रखेंगे ही रखेंगे। इसके पहले के 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, 1314, 1213, 1112, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये 10 फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, ये आपका कहलाता है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। क्या कहलाता है? क्योंकि इसी साल की इनकम के बारे में डिसीजन लेना है ना। साल तो मेन यही है, इसी के बारे में हम 1/4/2020 को डिसाइड करने जा रहे हैं। ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और इसके पहले के सालों को जब हम बेस लेते हैं, मैं गाली नहीं दे रहा, ईयर्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रीसीडिंग ईयर्स। क्या कहते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, पूर्ववर्ती गत वर्ष, यानी पिछले के पिछले साल, पिछले के पिछले साल। अब बात समझ में आई? इसको हम कहेंगे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और इन लोगों को हम कहेंगे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 से लेंगे और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस से ही स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हमारा पूरा का पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।